प्यार में ऐसी कौन सी गलती हुई दिव्यांका त्रिपाठी से जो उन्होंने लोगों को एडवाइस दे दिया कि प्यार में ये मत करिएगा। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूस, खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की कंटेस्टेंट दिव्यांका त्रिपाठी दहिया, जो कि शूटिंग कर रही हैं और खतरों से खेल रही हैं वो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया था जिससे वो बेहद प्यार करती थी, वो उन्हें छोड़कर चले गए और उसके बाद किस तरीके से उनकी जिंदगी हो गई थी उन्होंने बताया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 8 साल के रिलेशनशिप में शरद मल्होत्रा के साथ थी वो, बनू में तेरी दुल्हन जब ये शो चल रहा था, तब वो दोनों की अच्छी बातें हुई, फिर प्यार हुआ, उन दोनों की प्रेम कहानी जो है पूरी तरीके से जोरों शोरों पर थी और फैंस को लग रहा था कि कब ये शादी करेंगे, शादी के बंधन में बनेंगे। लेकिन 8 साल के रिलेशनशिप के बाद जब शरद मल्होत्रा ने मुंह मोड़ दिया था, तब टूट सी गई थी दिव्यांका त्रिपाठी और उन्होंने अंधविश्वास तक का रास्ता अपना लिया था शरद मल्होत्रा को अपने प्यार को पाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, दोनों की जोड़ी जो है 2015 में अलग हो गई थी और शरद ने कहा था कि शरद ने बोला कि शरद ने दिव्यांका त्रिपाठी ने कहा कि शरद ने जब मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, वो मुझसे बात नहीं करता था, मैं तो अंधविश्वास की तरफ चली गई थी उसे पाने के लिए। मैंने कहा क्या कर रही हूं मैं, ये मैं क्या, मैंने ये क्या किया। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और गलती के एहसास होने के बाद वो अपने आप को संभालने में लग गई और संभालने के बाद फिर उन्होंने बोला कि किसी का प्यार पाने के लिए ये सब करना पड़े तो फिर प्यार कैसा। जब वो रास्ते पे चल पड़ी थी अंधविश्वास के शरद मल्होत्रा को पाने के लिए, तब उन्होंने कहा कि अगर किसी को पाने के लिए आपको ये करना पड़े तो फिर प्यार कैसा। फिर उन्होंने खुद को रोका और तय किया कि इससे बेहतर है कि मैं सिंगल रहूं और खुश रहूं, अपने आप को ढूंढूं। फिर उसके बाद उनकी जिंदगी में आए विवेक दहिया। जी हाँ, और आने के बाद वो उनकी जो जिंदगी पूरी तरीके से खुशहाल हो गई और उन्होंने जो गलती की थी वो और लोग अब रिश्ते में ना कर बैठे, ये बात भी उन्होंने बताई थी और पूरे खुले दिल से वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हुई थी। जज्बात जो एक शो है जिसमें हमने राजीव खंडेलवाल को देखा है शो को होस्ट करते हैं, तो उसी शो के दौरान उन्होंने अपने दिल खोल के सारी बातें कह दी और लोगों से कहा कि प्यार में आप ऐसी गलती ना करें, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की आप रिस्पेक्ट करें, ये बातें कही है, ताक पर मत रखिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्यार पाने के लिए, जिंदगी नहीं तो हो जाएगी बर्बाद। किस तरीके से, मैं टूट चुकी थी, मुझे लगा कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, तो अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कीजिएगा, ये सारी बातें उन्होंने कही है। लेकिन आज देखा जाए तो दिव्यांका त्रिपाठी दहिया जो कि अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, उन्हें प्यार करने वाला बहुत ही अच्छा पति मिला है, उनके रिस्पेक्ट करता है, उनके हर सिचुएशन में उनका साथ देता है, तो ये सारी बातें कही थी दिव्यांका त्रिपाठी ने, जो कि आप प्यार में पड़ के ये गलती ना कीजिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सारी बातों में हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए फीफा फूज इसी तरीके की खबरों के लिए।